तो देखो, आज हम जो सीखेंगे आपके पास में मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स सीखेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पूरे चैप्टर के अंदर ये दो थ्योरम में बहुत चलती हैं, मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स। तो सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम समझते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब है, देखो इसको जैसे स्टेटमेंट लिखोगे ना आप, इसे वैसे ही समझोगे और वैसे आप इसे प्रूव करोगे, आंसर आपका बिल्कुल से निकल कर आएगा हमेशा सारे क्वेश्चन का। ये कहती है लाइन ज्वाइनिंग द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। अब मिड पॉइंट्स कौन से होंगे? ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, एंड हाफ ऑफ इट। इसका मतलब ये निकलता है कि किसी ट्राइंगल के अंदर अगर आप कोई भी दो साइड्स लोगे, कोई सी भी दो साइड्स, तो अगर आप किसी ट्राइंगल के अंदर कोई सी भी दो साइड्स लोगे, उनके मिड पॉइंट्स लोगे, सपोज करो ये पी है और ये आपके इसमें क्यू है, जिसमें पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो आपके पास में आपको गिवन क्या होगा कि पी मिड पॉइंट ऑफ ए सी, पी मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्यू मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है जी। ये आपको गिवन है और आपको इसके अंदर जो टू शो करना रहता है, तो क्योंकि मुझे इस फिगर की जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए मैं फिगर के लिए जगह छोड़ रहा हूँ, तो मुझे टू शो करना है कि मेरा ये जो पी क्यू है ये पैरेलल है किसके, बी सी के। ये मेरी मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इसके मतलब प्रूव करना, अब इसको मैंने आपसे कहा कि पूरे चैप्टर क्वाड्रेटर्स को हम लोग कॉन्ग्रेंसी से प्रूव करते हैं, और ये हमारे लिए कॉन्ग्रेंसी से बढ़िया कुछ और होता भी नहीं है, ठीक है। तो इसका सीधा सा तरीका क्या है, हम इसके अंदर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन भी बहुत सिंपल है। कंस्ट्रक्शन ये कहती है कि एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड पी क्यू, कि ये जो आपके पास में पी क्यू है वो इज इक्वल टू कितना हो जाए आपके पास में क्यू आर, और ज्वाइन कर दो सी और आर को। तो देखो आपके इसमें क्या होता है कि ये आपके पास में आपने इसे आगे एक्सटेंड किया, आगे जैसे एक्सटेंड किया ये क्यू आर तक आप पहुंचे, और आपने क्या करा ज्वाइन कर दिया सी और आर को, आपने ज्वाइन कर दिया। बस ये छोटी सी कंस्ट्रक्शन आपने करनी है कि जितना आपके पास में पी क्यू है उतना आप इसे आगे क्यू आर तक ले गए, और जो आपके पास में सी और आर है इसको आपने ज्वाइन किया है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करा। ज्यादा का मुश्किल है, नो ठीक है। अब देखो मैं इसका आप तो इसके नीचे लिखोगे, लेकिन मैं इसका जो प्रूफ है ऊपर लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं इसका प्रूफ जो कर रहा हूँ मैं इस जगह कर रहा हूँ, जिससे कि फिगर मेरे सामने बनी रहेगी और आप ये आराम से समझ पाओगे। तो इसके प्रूफ के लिए आप क्या करो, इन ट्राइंगल आप ट्राइंगल लेके चलो ए क्यू पी एंड ट्राइंगल, और अगला ट्राइंगल लेके चलो सी क्यू आर, सी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल्स आप लेके चलो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसमें ये हमारे पास कि ये जो हमारा पी क्यू है, ये हमारा पी क्यू इक्वल है किसके, क्यू आर के इक्वल है। क्यों यस क्यों इक्वल है, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन किया है, तो आपने क्या लिखा बाय सर कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। अच्छा, ये जो आपके पास ए क्यू है, ये ए क्यू आपका सी क्यू के इक्वल है, ये क्या था आपके पास में, ये आपको गिवन था क्योंकि क्यू इज द मिड पॉइंट था भाई, आपको पता ना क्यू क्या मिड पॉइंट है किसका, एसी का, ये आपको गिवन है, सर ठीक है। अच्छा, तो आपके पास में क्या होगा कि ये जो ए क्यू है और ये क्यू सी आपस में इक्वल हो गए, और ये दो एंगल्स आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, यस एंगल आपके पास जो ए क्यू बी है वो इक्वल है एंगल सी क्यू आर के इक्वल है, ओरिजिन है इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, क्लियर है। सर अच्छा, तो मेरे पास में अगर आप देखो तो साइड है, एंगल है, साइड है, ऐसे एस कॉन्ग्रेंसी लग जाएगी। सर तो हमने लिखा फ्रॉम एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल, तो हमने क्या करा एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल हम लोगों ने लगाया,
तो इस SAS कॉन्ग्रेंसी रूल से हमारा जो ट्राइंगल AQP है, तो हमारा जो ट्राइंगल AQP है ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल के किसके हमारे पास में CQR के, तो CQR के कॉन्ग्रेंट हो गया। अब अगर कॉन्ग्रेंट होगा तो इसका फायदा ये होगा कि हमारा जो CR है वो इक्वल हो जाएगा किसके, AP के, फ्रॉम CPCT। ठीक है जी, क्लियर है भाई, क्लियर है आपको। और इसके अलावा एक और फायदा होगा कि ये जो एंगल वन है इस एंगल टू के इक्वल हो जाएगा। आपने कहा एंगल वन आपका एंगल टू के इक्वल हो जाएगा और ये भी इक्वल है किससे, फ्रॉम CPCT। ठीक है, तो आप लिखोगे बट ऑल्सो दे आर मेकिंग अनादि, आवाज आ रही है आपको, बट ऑल्सो दे आर मेकिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आपने लिखा एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इक्वल लाइंस आर पैरेलल, तो लाइंस कैसी है आपके पास में, पैरेलल होंगी। हमने क्या करा भाई, हमने क्या, हमने सबसे पहले SAS कॉन्ग्रेंसी से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद ये हमारा जो CR है इसको हमने AP के इक्वल रखा क्योंकि CPCT से कॉन्ग्रेंट की बात प्रूव कर सकते हो आप। फिर आपने एंगल वन को और एंगल टू को इक्वल लिखा और AB CPCT से प्रूव करा आपने क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो एंगल वन एंगल टू के ऊपर आएगा। बट आप ये देख रहे हो कि ये पूरा ना जेड भी बन रहा है, तो एंगल वन और एंगल टू से जेड बन रहा है, मतलब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बना रहे हैं। तो आपने क्या लिखा, एज दे आर मेकिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो लाइंस कैसी होंगी आपस में, पैरेलल होंगी। मतलब हमारे अरे पास में जो CR है वो AB के पैरेलल होगा, तो हमारा यहाँ से CR AB के इक्वल है, तो CR हमारा AB के इक्वल है, आप ऊपर देख चुके हो। एंड ये जो हमारे पास में CR है वो पैरेलल है किसके, AP के पैरेलल है। अच्छा एक बात आप जानते हो कि ये जो आपके पास में AP है ना, ये AP BP के इक्वल है, AP आपका सर, BP के इक्वल है, तो आपने क्या लिखा यार, AP हमारा BP के इक्वल है। ठीक है, एंड हमारे पास सेम वे हमारे पास जो AP है वो, हाँ अच्छा, तो मतलब AP हमारा BP के इक्वल है, एक मिनट इसको हटा देते हैं। तो हम क्या कहेंगे, AP अगर BP के इक्वल है तो इसका मतलब हमारा CR जो होगा वो भी BP के इक्वल हो गया, और यस इन द सर, सेम वे ये जो हमारे पास CR है वो पैरेलल हो गया किसके, BP के। तो बिल्कुल CR हमारा BP के, देखो ना हमारे पास जो CR है, मतलब हमने क्या करा, ये हमारा CR AP के पैरेलल है और CR हमारा AP के इक्वल है। अब AP आपका यस BP के इक्वल है, ठीक है, तो CR हमारा सर, BP के इक्वल हो गया और CR के सामने जो भी साइड है उसके ऑलरेडी पैरेलल है, तो CR हमारा BP के भी पैरेलल है। अब आपके पास यस सर, जानते हो कि अगर कभी भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाए तो ये जो सर फिगर तो बनती पैरेलल है वो होगा। पैरेलोग्राम बन जाती है। यस तो आपने क्या लिखा, एज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो इससे फायदा ही रहेगा आपको कि ये जो आपके ऐसे BCRP है या PBCR इज ए पैरेललोग्राम, तो PBCR इज ए पैरेललोग्राम, तो PBCR के आपके इसमें एक पैरेललोग्राम है। अब अगर PBCR ये आपका PBCR ये पैरेललोग्राम है, तो ये जो साइड PR है BC के इक्वल होगी और पैरेलल होगी, इसका मतलब आपके पास में जो साइड आपके इसमें PR है ये पैरेलल होगी BC के, और ये जो आपके पास में PR है ये इक्वल होगी किसके, BC के। अब PR क्या है, मतलब अब आप देखो अगर आप ध्यान से, तो PR जो है कुछ और नहीं है, ये PR का एक पोर्शन आपका PQB है, तो ये PQB BC के पैरेलल है, और ये जो PQ है ध्यान से समझना इस पूरे PR का आधा पोर्शन है, क्योंकि ये Q पॉइंट आपका इस पूरे PR को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। समझ में आ रहा है,
यस ठीक है। तो हमने क्या लिख देना है इसके अंदर कि हमारे पास में कि क्योंकि पी आर बी सी के पैरेलल है, तो इसका मतलब हमारा जो पी क्यू है वो भी बी सी के पैरेलल है, और ये जो हमारे पास में पी आर है ये बेसिकली पी क्यू का डबल है, मतलब ट्वाइस ऑफ पी क्यू हमारा बी सी के इक्वल है। तो पी क्यू पैरेलल टू बी सी एंड यहाँ से इज पी क्यू हाफ ऑफ बी सी। तो हमारा पी क्यू बी सी के पैरेलल भी है और पी क्यू बी सी के हाफ के भी इक्वल है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? कोई यस डाउट नहीं आता? सर, ठीक है, ये हमारे पास से मिड पॉइंट थ्योरम है। अब हमारे पास सेम चीज होती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखो ध्यान से समझना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि इफ, ये कन्वर्स बोलते हैं, इसे कोरोलरी बोलते हैं बेसिकली। कन्वर्स तो नहीं आती इसमें आपकी, कोरोलरी बोलते हैं इसको, ये थी कोरोलरी। सर बुक में कन्वर्स लिखा हुआ है। देख, हो सकता है कन्वर्स लिखाओ, इसे बेसिकली कोरोलरी बोला जाएगा। देख, कन्वर्स का मतलब होता है कि इसका उल्टा ट्रू है, ठीक है, लेकिन इसकी कोरोलरी पता मतलब पता है क्या होता है, लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट, ये होती है लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट। दो एक्सरसाइजेज, पहले एक्सरसाइज में पहली थ्योरम चलती है, दूसरी एक्सरसाइज में दूसरी थ्योरम चलती है, ठीक है। लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट पैरेलल टू द थर्ड साइड, पैरेलल टू द थर्ड साइड बाइसेक्ट्स दी अदर साइड, वो बाइसेक्ट करती है अदर साइड को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी है और पी क्या है इसका, मिड पॉइंट है, तो लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट अगर आपके पास में पी क्यू, पी इज मिड पॉइंट, पी क्या है आपके पास, मिड पॉइंट है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी। हमारे पास में पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो अगर लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो इट विल डिवाइड द अदर टू साइड, मतलब या मिड, इट विल डिवाइड द अदर टू साइड या बाइसेक्ट द अदर साइड। तो इसका मतलब क्यू इज मिड पॉइंट, तो क्यू क्या होगा आपके पास, मिड पॉइंट हो जाएगा, तो क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो क्यू आपके पास ए सी का मिड पॉइंट बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया यस पक्का? सर, चलो, तो ये आपके पास ये दो चीजें हैं, इनको आप एक बार ध्यान समझ लो। अब मैं ये क्वेश्चन आपके पास लेके चलता हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखो, ये क्वेश्चन सपोज करो टीचर ने आपको दिया, और इस क्वेश्चन के अंदर टीचर आपसे कहती है कि इफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है, तो आपके पास में शो दैट इट इज ए रोम्बस। आपको शो करना है कि वो क्या होगा, आपके पास एक रोम्बस है, ठीक है, यस करते हैं। तो हमारे को क्या गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है, यस तो हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। ये रेक्टेंगल है हमारे पास ए बी सी डी, पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, आर सी डी का मिड पॉइंट है और एस ए डी का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस आपने क्या करना है, आपने पी को क्यू से ज्वाइन करना है, क्यू को आर से ज्वाइन करना है, आर को एस से ज्वाइन करना है, और पी को आपने एस से ज्वाइन करना है। तो ये आपने पी क्यू आर ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और अब आपको इसको शो करना है कि ये आपके पास एक रोम्बस है, बहुत मुश्किल काम सर नहीं है, पी क्यू थोड़ा आर सा। एस को हाँ, पी क्यू आर इसको रोम्बस शो करना है आपने, कैसे करोगे? सर रोम्बस की एक तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सर उसके डायगनल्स 90 परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका सीधा सा तरीका ये है, इसके लिए मतलब इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना तुम्हारे पास क्वाड्रेटर्स के फर्स्ट चैप्टर के, उसमें ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। आपसे कहते हैं ज्वाइन कर दीजिए किसको, बीडी को ज्वाइन कर दीजिए। आपने क्या करा, बी को और डी को ज्वाइन कर दिया,
ठीक है जी। अच्छा अब आपने क्या कहा, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब ट्राइंगल ए बी डी में ध्यान से देखो, मिड पॉइंट कौन कौन है ट्राइंगल ए बी डी में, मिड पॉइंट बताओ क्या क्या है। ट्राइंगल ए बी डी के मिड पॉइंट्स बताओ भाई। मेरा कनेक्शन कट गया। तो पी कॉमा एस आर मिड पॉइंट्स। तो पी और एस के आपके पास में मिड पॉइंट्स है, तो फिर आपने सीधा लगाया फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। आप सीधा स्टेटमेंट लिखोगे लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। इसका मतलब ये है, मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि मेरे को इसकी फिगर की रिक्वायरमेंट है। आप इसे वापस से वीडियो को पीछे करके बैक करके देख लेना, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो P और S क्या मिड पॉइंट्स हैं, तो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। अब मैंने इसके अंदर सीधा मिड पॉइंट लगाई है, तो इसका मतलब ये जो मेरे पास में पी एस है ये इक्वल है किसके, बी डी के, हाफ के। और ये जो मेरे पास में पी एस है ये पैरेलल है किसके, बी डी के। सेम वे आपके पास में क्यू इन ट्राइंगल, आप आएंगे इन ट्राइंगल बी सी डी। अगर आप ट्राइंगल बी सी डी में आते हो तो ट्राइंगल बी सी डी लिया आपने, तो ट्राइंगल बी सी डी में क्यू कॉमा आर, क्यू कॉमा आर आर द मिड पॉइंट्स। तो क्यू और आर क्या है आपके पास में, मिड पॉइंट्स है ऑफ बी सी एंड सी डी। तो फिर आपने सीधा लगाया लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, तो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। इसका मतलब होगा कि ये जो आपके पास में क्यू आर है ये क्यू आर पैरेलल होगा बी डी के, और क्यू आर होगा बी डी के हाफ के इक्वल। तो मतलब ये जो क्यू आर है ये बी डी के हाफ के इक्वल होगा, और ये जो आपका क्यू आर है ये पैरेलल होगा किसके, बी डी के पैरेलल भी होगा। तो अब आप ध्यान से समझोगे अगर आप, तो ये इक्वेशन नंबर वन है जिसमें पी एस बी डी के हाफ के इक्वल है और पी एस बी डी के पैरेलल है, और दूसरी जगह पर आपके इसमें क्यू आर बी डी के हाफ के इक्वल है और क्यू आर बी डी के पैरेलल है। तो फ्रॉम वन एंड टू, तो आपने ये लिखा फ्रॉम वन एंड टू, फर्स्ट से एंड सेकेंड से हमारे पास में ये जो पी एस है और ये जो क्यू आर है, हमारे पास में जो पी एस है और जो हमारे पास में क्यू आर है इक्वल भी है, और ये हमारे पास में पी एस और जो क्यू आर है वो आपस में पैरेलल भी है। तो पहले हमने इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दिया। तो सबसे पहले आप इतना क्वेश्चन जी करोगे, और मतलब लगभग सारे क्वेश्चनों में, मतलब 90% क्वेश्चन में आपको पहले इनको इक्वल और पैरेलल प्रूव करना पड़ता है। और फिर उसके बाद में आगे क्या करना है मैं आपको सिखाता हूँ। एक मिनट रुकिए। अब देखो जब आप इन्हें इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दोगे तो इक्वल और पैरेलल प्रूव करने के बाद जो पोर्शन है वो बड़ा आसान है, क्योंकि हर क्वेश्चन को आपने इक्वल और पैरेलल प्रूव करना ही पड़ेगा। उससे फायदा क्या मिलता है आपको कि सबसे पहले आपको इसको क्वाड्रेटर्स के अंदर एक पैरेलोग्राम प्रूव करना पड़ता है, बाकी बाद में सब होता है। अब देखो तो इसका फायदा ये होगा, एज पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो मतलब ये जो आपके इसमें पी क्यू आर एस इज ए, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। तो यहाँ से क्या बना आपके इसमें पी क्यू आर एस आपका एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पी क्यू आर एस अगर पैरेललोग्राम बन गया तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस पैरेललोग्राम को नाउ अब आपको शो करना है। हमेशा पहले पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे,
नाउ वी हैव टू शो दिस पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। और ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप क्या करो, क्यू को और एस को ज्वाइन कर दो और पी को और आर को ज्वाइन कर दो, ठीक है जी। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं आपको सिखाऊंगा, आपके पास में बड़े इजी तरीके से आपके सामने प्रूव हो जाएगा। देखो, आपके पास में क्यू एस पैरेलल है ए बी के, और जो पी आर है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। और आपको ही पता है कि एंड ये जो आपके पास जो ए बी है ये परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। तो ये जो आपका ए बी है बी सी के परपेंडिकुलर है, तो ए बी के जैसा कौन है आपके पास में, क्यू आर क्यू एस, तो ए बी के जैसा क्यू एस ये परपेंडिकुलर होगा, बी सी के जैसा कौन है आपके पास में पी आर, तो क्यू एस और पी आर आपस में परपेंडिकुलर हो गए। मतलब अगर आपका क्यू एस और आपके पी आर आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो इसका मतलब है कि ये जो आपका पूरा पी क्यू आर एस है, तो आपने कहा एस डायगनल्स आर परपेंडिकुलर, तो ये जो आपका रोम्बस, ये जो आपका आपने अभी जो प्रूव किया पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। ये मैं समझता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसी के जैसे सारे क्वेश्चंस हैं, आप एक जी बार सबको इतना प्रूव करके, मतलब पैरेललोग्राम तो प्रूव करोगे, पैरेललोग्राम तो लगभग आपको 90% क्वेश्चंस को पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ता है मिड पॉइंट थ्योरम लगाकर, और फिर उसके बाद आपको शो करना पड़ता है कि कई बार आपको जो पैरेललोग्राम होगा उसे रेक्टेंगल प्रूव करना पड़ेगा, कई बार उसको स्क्वायर प्रूव करना पड़ेगा, या कई बार आपको उसको रोम्बस प्रूव करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, इन तीन तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो मैं एक बार आपको इसकी रिकॉर्डिंग देता हूँ, आप इसे ना एक बार इसको क्वेश्चंस को करो, तो क्वेश्चंस के बाद एक बार आपके जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएंगे उन क्वेश्चंस के एक बार आपसे डाउट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक, मैं आपको भेजता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग, ठीक। यस सर। ओके बेटे, ऑल द बेस्ट।